आप सभी का बहुत स्वागत है दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल का आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स। सुबह का बहुत बहुत नमस्कार आप सभी को दोस्तों। और अब हम लोग एक नई सीरीज़ की शुरुआत करेंगे। सीरीज़ इन द सेंस कि हमें सभी को पता है कि मार्केट में एक बड़ी भारी गिरावट का दौर चल रहा है और जिस तरह से हम लोगों ने एक्सपेक्टेशन रखी थी कि 10,000 का लेवल आएगा, हमें उम्मीद थी कि अक्टूबर सीरीज़ के एंड तक 10,000 सीरीज आएगा, 10,000 का लेवल आएगा, बट ये तो अभी आ चुका है। बट कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए इस तरह के जो मौके आते हैं, जो लोग फ्रेश निवेश करने वाले होते हैं, जिनको इन्वेस्टमेंट करना होता है एक लंबी अवधि के लिए, उनके लिए बहुत सुनहरे अवसर लेके आता है। और इसीलिए मनी मेकिंग शेयर्स के बारे में अब हम बात करने जाएंगे। आने वाले कुछ वीडियोस में हम लोग उन बेहतरीन स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे जो अभी अपने पीक प्राइस से बहुत ज़्यादा करेक्ट हो चुके हैं, बॉटम फॉर्मेशन करने के लिए रेडी हैं, और किस वक्त हम इन स्टॉक को ख़रीद लें कि हमारी जो वेल्थ है, हमारा जो पैसा है, जब ये स्टॉक चलना शुरू करें तो हमारे पैसे को दुगना और चौगना और 10 गुना कर दें। और मैं जिन स्टॉक की बात करूंगा इस पूरी सीरीज़ में, वो इतने शानदार शेयर्स होंगे अपने आप में कि आप अगर इनके सही लेवल्स पर निवेश करेंगे, हम लोग लेवल्स डिस्कस करेंगे कि कौन से लेवल्स जो है वो बॉटम्ड हो सकते हैं और वहाँ से इनमें डाउन साइड जो बहुत लिमिटेड हो सकता है। सो हम बहुत ही दिग्गज अच्छे फैंटास्टिक स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे। पैनी स्टॉक के बारे में बात नहीं करेंगे सीरीज़ में, केवल हम उन स्टॉक के बात करेंगे जो कि फंडामेंटली बहुत ही वेल्थ ओरिएंटेड स्टॉक है, लेकिन प्राइस को अगर देखेंगे तो वो पैनी प्राइस में मिल रहा है। तो ऐसे ही स्टॉक की सीरीज शुरू की है मनी मेकिंग शेयर्स, और इसमें आज का जो पहला शेयर है वो ऑटो इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है। हम सभी को पता है ऑटो इंडस्ट्री में काफ़ी, ऑटो सेक्टर में काफ़ी गिरावट आ चुकी है, लेकिन जैसा कि कल हमने RBI की मॉनेटरी पॉलिसी में देखा, अभी फेस्टिव सीजन स्टार्ट हो रहा है, मॉनेटरी पॉलिसी में RBI ने रेट को ना तो इंक्रीज़ किया ना ही डिक्रीज़ किया, स्टेबल रखा। अब जब रेट्स नहीं बढ़े, चूंकि ज़्यादातर उम्मीद थी रेट को बढ़ाए जाने की, लेकिन चूंकि फेस्टिव सीज़न है तो RBI ने रेट को स्टेबल रखा, जिससे जो बड़ा बेनिफिट होगा वो ऑटो इंडस्ट्री को होने वाला है, क्योंकि फेस्टिव सीजन में लोग रेट ना बढ़ने के कारण जो खरीदारी है वो बढ़ेगी। ठीक है, अब आती है बात कि कौन सा स्टॉक है। ये स्टॉक सबसे दिग्गज स्टॉक है मार्केट का फोर व्हीलर सेगमेंट में, और इसका नाम है मारुति सुजुकी। जी हाँ दोस्तों, मारुति सुजुकी के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। फेस्टिव सीज़न आ रहा है, बहुत सारे लोग अपनी नई गाड़ियाँ खरीदते हैं, नया साल आता है, बहुत सारे लोग नए साल पे गाड़ियाँ खरीदते हैं, प्लान्ड होते हैं उनके। ठीक है, ये स्टॉक 10,000 का था अब से कुछ महीने पहले, लेकिन गिरावट का दौर आया, हमने आपके साथ शेयर भी किया था, 8,200 के रेंज के आसपास था, 8,300 के आसपास, तब हमने आपको बताया था कि इसका जो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा स्टॉक का, अगर 8,100 टूटा तो फिर वो बहुत नीचे जाएगा 7,500 7,200 तक, और एज सच ऐसा ही हुआ, 8,100 के नीचे की क्लोजिंग आई और वापस स्टॉक इस वक्त 7,000 के भी नीचे आ चुका है, 6,890 के आसपास। बहुत सारे देखिए सपोर्ट्स हमेशा मेंटेन कीजिएगा, क्योंकि अगर सपोर्ट हिट होता है तो फिर नेक्स्ट कहाँ रुकेगा स्टॉक, ये किसी को नहीं पता होता। चलिए आइए बात करते हैं मारुति सुजुकी के बारे में, आपको बताएंगे कौन से बॉटम लेवल हैं जिनको आप स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस बना के इस स्टॉक के अंदर खरीदारी कर सकते हैं और कब कर सकते हैं। टेक्निकल चार्ट पे बात करेंगे, फंडामेंटल कंपनी में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिन लोगों को ये लगता है कि कंपनी बेकार है, कंपनी ये है कंपनी वो है, क्योंकि जनरली बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाते हैं कि जब इस तरह के गिरावट के दौर आते हैं तो इस तरह के र्यूमर्स आते हैं कंपनी बंद हो जाएगी, कंपनी बेकार हो चुकी है, सब कुछ नेगेटिव दिखता है। जैसे कि होता नहीं है कि आपके ऊपर अगर परेशानियाँ आती रहती हैं तो आप ऊपर वाले को भी कोसने लगते हैं कि अरे वो हमारा ही दुश्मन बना बैठा है। तो ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी होती है, उस ह्यूमन साइकोलॉजी से बाहर आइएगा और समझिएगा कि गिरावट का समय क्यों है और कहाँ पर हमें खरीदना है। देखिए यहाँ पर सब चीज़ें इंडिकेशन में हमेशा बताता हूँ कि हर चीज़ का एक इंडिकेशन आता है। यहाँ पर मारुति सुजुकी ने डबल टॉप बनाया था, 9,990 पर डबल टॉप, सिंगल टॉप इज एट द 2017 में दिसंबर 20 को बनाया था, और दूसरा टॉप बनाया था जुलाई 2018 में। ये डबल टॉप बनने के बाद जब नई डबल टॉप ब्रेक हुआ नीचे की तरफ आ गया, तो इसका मतलब ये था कि डबल बॉटम बनाएगा। अब बॉटम कहाँ पर बनेगा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि पहला बॉटम बन रहा था 8,263 पर, जैसा कि हमने आपको बताया,
82163 जब टूटेगा तो नेक्स्ट बॉटम कहाँ बन रहा था, 7362 के आसपास लगभग बन रहा था, लेकिन वो भी टूट गया। अब नेक्स्ट बॉटम कहाँ बन रहा है, नेक्स्ट बॉटम बन रहा है 6690 के रेंज में, यानी कि अभी लगभग 200 पॉइंट की गिरावट की स्टिल संभावना है मारुति सुजुकी के अंदर। अब देखिए सपोर्ट हमने क्यों कहा ये वाला, आप देखेंगे दिस इज द कैंडल, ये एक लॉन्ग, आप बताए अगर लॉन्ग शेडो की कैंडल अगर बात करें तो इसको हैमर कैंडल आप बोल सकते हैं, जिसने कि अगर बात करो 10 जुलाई 2017 को अपना बॉटम लेवल टच किया था, एकदम जर्क में गिरावट आई थी बट क्लोजिंग ऊपर लेवल पर आई थी 6690 के रेंज में, यानी कि जो 6690 था वो इसने एक बड़ा भारी भरकम मजबूत सपोर्ट बना दिया। ठीक है, तो अब बात आती है कि कहां तक जाएगा, तो दो चीज़ें हैं, 6690 तो इसका स्टॉप लॉस हो गया, बाकी अगर आप इसमें ATR जोड़ेंगे तो तकरीबन 6580 यानी 100 रुपीज़ का और मान लीजिएगा 6600 या 6580 के आसपास एक बड़ा मेजर सपोर्ट रहेगा मारुति सुजुकी के अंदर। अब आपको खरीदना कैसे है, देखिए खरीदना बहुत सिंपल वे है खरीदने का, अब चूंकि 6900 का लेवल आ चुका है, मंडे नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड हमें लगता है कि फिर से थोड़ा सा डिप ले ये मॉर्निंग ओपनिंग सेशन में, या मंडे को थोड़ा सा नीचे की तरफ बंद हो, अभी कुछ कहना मुश्किल है, बट जो गिरावट है वो यहाँ से 200-300 पॉइंट की मैक्सिमम है मारुति सुजुकी के अंदर। तो खरीदने का सबसे बढ़िया तरीका एक शेयर खरीदिए, यानी अगर आप एक शेयर खरीदते हैं अभी तब आपको कितना नुकसान होगा, केवल 300 रुपये का नीचे की तरफ जाने में। एक शेयर अगर आप आज की तारीख में खरीदते रखेंगे तो स्टॉक में आपको मैक्सिमम नुकसान कितना है, 6500 भी आप मानिएगा अगर स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस एग्जिट स्टॉप लॉस, तो कितना होता है आपका 400 रुपये का नुकसान, कितना 400 रुपीज़ का लॉस होता है आपको मैक्सिमम। लेकिन जब ये यहाँ से रिवर्सल लेगा, जब ये यहाँ से चलेगा, देन फर्स्ट टारगेट विल बी 7500, यानी कि आपका प्रॉफिट कितना हुआ 600 रुपीज़ फ्रॉम हियर, लॉस 400 रुपीज़, प्रॉफिट कितना हुआ फर्स्ट टारगेट में 600 रुपीज़, देन उसके ऊपर 8100, यानी कि आपका प्रॉफिट कितना हुआ लगभग 1100 रुपये एक शेयर के साथ बता रहा हूँ मैं आपको। उसके बाद अगर इसने 8100 के 8200 के ऊपर की क्लोजिंग दे दी, तो 8200 के ऊपर की क्लोजिंग देने के बाद फिर इसका टारगेट क्या रहेगा 10000 रुपीज़ इन नेक्स्ट 12-18 मंथ के अंदर, तो आपका प्रॉफिट कितना हो जाएगा यहाँ से 3000 रुपये, यानी कि एक शेयर आपने खरीदा लॉस कितना था आपका 400-500-600 रुपये मैक्सिमम, आप जो भी लगा लीजिए। लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट कितना है आपका 3000 रुपये इन्होंने सिंगल शेयर, उसके बाद आपने इस महीने खरीदा, फिर आपने नेक्स्ट मंथ में फिर एक शेयर खरीद दिया, पता चला नेक्स्ट मंथ में ये 6700 का है, तो आपको क्या हुआ जब 6700 और 6900 दो शेयर आ गए तो आपका जो एवरेज प्राइस आ गया दो स्टॉक का वो कितना आ गया 6800, वहाँ से लॉस कितना है अगर 6400-6500 आता है तो मैक्सिमम 800 रुपीज़ का, प्रॉफिट कितना है आपका 6000 रुपीज़ का। सो ये स्ट्रेटजी, फिर आपने नेक्स्ट मंथ में फिर खरीदा, हो सकता है ये 6600 चला जाए, हो सकता है 6400 चला जाए, ठीक है, और फिर आपके तीन शेयर हो गए, तीन शेयर की एवरेजिंग कितनी हो गई 6500 हो गई, प्राइस कितना चला गया 6400-6300, मैक्सिमम आपका रिस्क कितना हो गया 3 स्टॉक्स पर 300 रुपये लगा लिए 900 रुपीज़, मैक्सिमम 1000 रुपीज़ का रिस्क है आपका अगर एग्जिट स्टॉप लॉस आपका हिट होता है 6200-6300-6400 जो भी आप बनाते हैं। अपसाइड में कितने हो गए आपके तीन शेयर हो गए 6500 के रेंज में, 10000 का टारगेट है अगर दो साल में भी आता है तो आपको 3500 रुपये पर शेयर मिल रहा है, तो आपको दो साल में तीन शेयर पे आपको कितना पैसा मिल रहा है 10,500-11,000 रुपये। इन्वेस्टमेंट आपका कितना था केवल 18,000-19,000 रुपये, 18,000-19,000 रुपये पे आपको दो साल में कितना प्रॉफिट मिला 11,500-12,000-13,000 रुपये का। सो ये स्ट्रेटजी आप बनाइए, ना कि एक बार में ही आपने मारुति को मिला आपको 6500 रुपये का 6700 रुपये का, आपने एक बार में 50 शेयर खरीद दिए, मानता हूँ आपके पास पैसा आप लगा सकते हैं लेकिन पैसा फेंकने के लिए नहीं है, उस पैसे को सही तरीके से निवेश कीजिएगा राइट डायरेक्शन में। सो मैं आपको बताऊंगा सबसे अच्छा तरीका, आप मंडे ओपनिंग सेशन में अगर ये आपको 6700 या 6800 पर मिलता है मारुति, देन आप सिंगल शेयर खरीदिए, उसके बाद 6600 इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉटम है, अगर वो इनकेस फ्लक्चुएट भी होता है तो आप वहाँ पर ख़रीदारी कर सकते हैं, आपके लिए सुनहरा मौका है, लंबी अवधि के लिए रखिए, मार्केट में जब रिवर्सल आएगा आफ्टर मई 2019 देन
क्योंकि जो कंप्लीट रिवर्सल आएगा वो मई 2019 के बाद आएगा। फिलहाल अभी थ्री स्टेट्स के इलेक्शन है, रिजल्ट्स अगर फेवर में आते हैं एनडीए गवर्नमेंट के, देन क्या होगा, एक जर्क आएगा ऊपर की तरफ, तेजी आएगी जो कि बजट तक चलेगी, जो कि फर्स्ट ऑफ फरवरी में बजट रहेगा। बजट के बाद जैसे बजट डिक्लेयर होगा फिर प्रॉफिट टेकिंग आएगी, ड्रैग हो जाएगा नीचे की तरफ वापस। उसके बाद वेट करेंगे ट्रेडर्स कब का इलेक्शन, जो कि 2019 मई में रहेंगे, और उसमें पता चलेगा कि एग्जैक्टली क्या आउटकम आ रहा है उन इलेक्शंस का। उसके बाद एक अच्छा रिवर्सल आएगा, बड़ा रिवर्सल आएगा, और ये स्टॉक आपको 10,000 11,000 या 11,500 तक के लेवल भी देगा अगले 24 महीने के अंदर। सो गाइज, ये बहुत ही बढ़िया और बहुत ही शानदार समय है मारुति सुजुकी में निवेश करने का, क्योंकि ये है हमारा आज का पहला मनी मेकिंग शेयर जो आपकी वेल्थ को मल्टीप्लाई करेगा, और इसके अंदर वो पोटेंशियल है कि जो आपकी वेल्थ को मल्टीप्लाई कर सकता है। सो गेट रेडी, समझदारी के साथ निवेश को स्टार्ट करना है आपको, राइट डायरेक्शन में चलना है आपको, राइट वे यूज़ करना है आपको, और आपको ये समझ के चलना है ये मारुति सुजुकी है, हर छोटे से छोटा बड़े से बड़ा आदमी इसकी गाड़ी को खरीद के चलाता है, और ये कल या परसों बंद नहीं होने वाली। इनका बिजनेस तो लगातार एक्सपेंशन में जाएगा, हर आदमी के पास गाड़ी होगी, रिवेन्यू बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, और शेयर का प्राइस भी मल्टीप्लाई होता चला जाएगा। मैं आपको मारुति सुजुकी के बारे में एक और इन्फॉर्मेशन देता हूँ। 2014 से पहले, जब आपको याद होगा गुड़गामा के इनके जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट था उसमें एक इंजीनियर को जला के मार दिया था, जो भी भीड़ ने या जो भी इनके वर्कर्स थे जब उन्होंने स्ट्राइक किया था, तो एक इंजीनियर जो जल के मर गया था, उसके बाद स्टॉक का प्राइस 1000 से भी नीचे नहीं 900 आ चुका था। लोगों में इस तरह का आ गया था कि मारुति सुजुकी का प्लांट बंद हो रहा है, ये हो रहा है, वो इस तरह का एक पैनिक क्रिएट किया था, और लेकिन आप समझ लीजिए कि जब वो 900 पे आ गया तो उसके बाद से नॉन स्टॉप रुका नहीं है। इसने 10,000 का लेवल सुना केवल 4 साल के अंदर। 2014 में ये 900 रुपये का था, और उसके बाद 2018 में इसने 10,000 का लेवल भी टच किया। तो अब आपको डिसाइड करना है कि आपको मनी मेकिंग शेयर में इन्वेस्टमेंट करना है राइट टाइम पे, या फिर आपको र्यूमर्स के साथ जाना है और अपने सही पैसे का सही निवेश करना नहीं सीखना है। ये आप पर डिसाइड करता है कि आप कितनी एनालिसिस करते हैं, आप कितना सीखते हैं। तो ये हमारा आज का मनी मेकिंग शेयर था। हमने इतनी लंबी बात इसलिए की ताकि हम आपको बता पाए कि इस सीरीज में आपके साथ हम कौन से स्टॉक डिस्कस करने वाले हैं जो कि अपनी वैल्यू से आधे के आसपास आ चुके हैं। आने वाले वीडियोस में हम लोग आपके साथ केवल सपोर्ट्स रेजिस्टेंसेस ही शेयर करेंगे, बाकी डिसीजन आपको लेना होगा कि आपको निवेश करना है या नहीं करना है विदाउट एनी ऑर्गूमेंट। शेयर करते हैं इन्फॉर्मेशन, आपसे उम्मीद करते हैं कि आप एनालिसिस कीजिएगा, एनालिसिस करके निवेश करेंगे तो आपका पैसा बढ़ेगा, गिरेगा नहीं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।